जहरीले सांप पकड़ने वाले एक युवक की सांप के डसने से ही मंगलवार को मौत हो गई। युवक 19 साल की उम्र तक करीब 200 सांप पकड़ चुका था। वह सांपों को अपना दोस्त समझता था और उसके साथ खेलता था। वह सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता था। मंगलवार को नदी में जहरीले कोबरा को छोड़ने के दौरान उसे सांप ने काट लिया, इससे उसकी मौत हो गई। 19 साल का मनीष वैष्णव पाली के शेखावत नगर में रहता था। पिता की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। घर की जिम्मेदारी मां कांता देवी के कंधों पर थी। मनीष एक फैक्ट्री में काम करता था। मोहल्ले में एक बार सांप आया तो उसने हिम्मत कर पकड़ लिया। उसके बाद उसने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। धीरे धीरे वह सांप को पकड़ने में एक्सपर्ट हो गया। शहर में किसी भी घर में सांप घुसता तो मनीष के पास कॉल आ जाता था। बिना कोई चार्ज लिए मनीष लोगों के घर से सांप पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता था। उसके इस शौक ने काफी लोगों को राहत देने का काम किया। आज में एक जो बूढ़ा सांप होता है वो अभी मैंने निकाला है तो उसने मुझे काट लिया है, ठीक है ना। तो अभी मैं उसको वापस में रिलीज करने जा रहा हूँ। तो ऐसी गलती ना करे कि आपको भी काटे, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियों से बचे फ्रेंड, ठीक है ना। वरना महिंद्रा तो ऐसी आप गलती नहीं करें, ठीक है ना। ऐसे आप गलती ना करें, ठीक है ना फ्रेंड। छोड़ दे। 4 से 5 फुट का एक कोबरा है जो अभी आपके सामने मैं रिलीज करने जा रहा हूँ। बंद दे।